गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूं यहां अमेरिका में, जहां मैं रहती हूं, मिलवॉकी जू में। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अमेरिका का जो जू होता है वो कैसा होता है और यहाँ पे कैसे कैसे जानवर होते हैं जू में और कितना बड़ा होता है। बाकी हम सारे लोग रेडी है यहाँ पे। अमोद ये रहा सामान डाल रहा है गाड़ी में, ये रही मेरी क्यूटू और पीछे हैं पापा। वेयर आर वी गोइंग बता दो बेटू। तो हमारा से जब भी पूछते हैं वेयर आर वी गोइंग, या तो पार्क के लिए पा कहती है या तो कहती है बाहर। गाड़ी से जाएंगे किस ट्रॉलर से जाएंगे? गाड़ी से जाएंगे। इसको पता है मामा आ रही है ना साथ में बेटू, तो बाबाई कहाँ कर रहे हो आप? मामा भी आ रही है ना, फिर बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। तो बस हम लोग निकल गए हैं। 1 to 2 इयर्स के सारे कपड़े मायरा को छोटे होते हैं। ये 16 मंथ्स की है तो मैं जो भी लेती हूँ इसका 2 to 3 इयर्स का लेती हूँ। सॉक्स में फंसी हुई है और ठाकर लगा रही है। देखो चल मम्मा के साथ इसको पीछे खेलना है, बस खेलना है। मम्मा आपसे कल से ड्राइव करेगी बेटा, नहीं बैठेगी तुम्हारे बगल में। एंट्री फी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सामने देख लो, अडल्ट का 18.75 और चाइल्ड जो भी 3 साल से ऊपर के हैं उनका $15.75। तो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं पार्किंग के अंदर। इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि पार्किंग फ्री नहीं है, अगर आप जू के अंदर पार्क करना चाहते हो $15 आपको पे करना पड़ेगा पार्किंग। यहाँ का कैसा होगा वो देखिएगा, कितना अलग है इंडिया से, समझे? ये भी बहुत बड़ा है, ऐसा मत समझिए, चलना पड़ेगा ठीक ठाक। सेकेंड टाइम ही हम आ रहे हो ना तुम भी मेरे साथ? हम लोग जो एक बार पहली बार आए थे तो हम लोग 2018 में एक बार पहली बार आए थे। देखिए सामने कितना अच्छा है, आवाज भी आ रही है इसमें से कितना बढ़िया बनाया है। देखो गाइज ऐसे लग रहा है कि ये रियल लिबर्टी है, आर्टिफिशियल बनाया हुआ है। गाइज आज आपका टेस्ट लेंगे, जितना आप डिस्कवरी और इधर उधर देखते रहते हैं ना सारा जानवर, कितना आप पहचान पाते हैं, आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो गाइज हम लोग आ गए हैं अंदर जू एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऑफिस है बेसिकली इनका। और ये सब ऐसे स्क्रीन वगैरह देख लीजिए, वो सब ऐसे ही है, यहाँ ये एंट्री है समझ लीजिए। गाइज जू काफ़ी बड़ा है, अंदर काफ़ी चलना पड़ता है क्योंकि इतने सारे जानवर एक जगह तो रह नहीं सकते। देखो कितने सारे लोग आए हुए हैं। तो गाइज अंदर एक ऐसे छोटा सा ट्रेन राइड भी कराते हैं और वो पूरे जू में, काफी बड़ा है ना जू, तो घुमाता है टॉय ट्रेन जैसा समझ लो आप। हाँ वो टिकट काउंटर है और भीड़ भी होगी, तो छोड़ो वो, छोड़ो एक्सप्लोर करते हैं ना, चलो हम लोग सारा। दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी मैं काफी इन्फॉर्मेटिव पोस्ट एंड वीडियोस अमेरिका के बारे में डालती रहती हूँ, तो अगर आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है फिट लाइफ बाय अमिता। एक दिन में ये पूरा जू कवर करना पॉसिबल नहीं है, मतलब पूरे दिन रहोगे घूमोगे तो अलग बात है। हमारे पास जैसे 2-3, 2-2.5 घंटे हैं, चलते हैं सामने देखते हैं क्या है। एडवेंचर अफ्रीका है पीछे, पीछे में वो सब क्या है लिखा होगा वहाँ पे, उधर पीछे भी है ना, क्या है बताओ गाइस? आधी चीजें ना यहाँ पे आधे जानवरों का नाम भी नहीं पता था, इतने इतने सारे जानवर बर्ड और बहुत सारे रहते हैं जो इनका नाम ही हम लोगों को नहीं पता है, सच्ची बोलूं तो देखना पड़ता है। हिप्पो नहीं दिख रहा आपको? ये सामने आ रहा है इतना बड़ा, ये देखिए कितना बड़ा है, वाह इतना बड़ा है, बच्चा नहीं बहुत बड़ा है वो, आपको पता नहीं चल रहा है। हाँ हिप्पो बाबू दिखा दी ना, व्हाट इज दैट हिप्पो? पापा सोच रहे थे कि ये मरा हुआ अंदर घूम रहा है, लेकिन नहीं जिंदा है, मान लिए ना, देख लिए ना। और ये रहा सुंदर सा जिराफ, मुझे जिराफ बड़े सुंदर लगते हैं somehow। खिलाने का भी है क्या? एक्सपीरियंस करा सकती हो, $5 देते हैं। $5 है? हाँ। तुम कराना चाहते हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। हाँ? नो। चलो। आरु चाहे। ये डॉल्फिन नहीं है। गाइस ये देखिए हार्बर सील, ये देखिए कैसा होता है। सील है बेटू, सील है। हाँ बेटू। हाँ
क्यूटुइटा क्वेल। तो गाइज यहाँ पे पॉन्ड भी है, बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ है जू को, इतने सारे जानवर और इतना अच्छा लग रहा, क्लीन है ना ये। गाइज ये देखिए ये बेयर यहाँ दूसरे साइड इतना बड़ा निकला हुआ है। तो हमारा नाश्ता पानी चल रहा है रिलैक्स होके। हमारा को मैं ये कुछ राइस का चिप्स खिला रही हूँ, पापा अपना इधर खा रहे हैं रिलैक्स कर रहे हैं और अमोद अपना खा पी के उधर टंच है। दोस्तों अगर आप सब अमेरिका आना चाहते हैं तो मैंने इंडिया का नंबर वन कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको अमेरिका आने का ए से लेकर जेड सारे वीजाज के बारे में बताया गया है, कैसे आप लीगल तरीके से अमेरिका आ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, किस वीजा पे कौन सी जॉब कर सकते हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं चाहे आप पढ़े लिखे नहीं हैं, किसी भी फील्ड से हैं, आप अमेरिका कैसे आ सकते हैं। तो जो कोर्स है वो मेरी वेबसाइट fitlifebyamita.com पे है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। घूमते घूमते मेरी दोस्त पवित्रा यहाँ मिल गई जू में, हम लोग यहाँ मिल गए, जाने दिखा रहे, ये तो जाना पहचाना चेहरा नजर आ रहा है, हमको देखा एक्चुअली, कह रही ये तुम्हारी फ्रेंड है क्या, मतलब हाँ हाँ, मेरे को लग रहा है ये लोग कैसे तो कैसा लगा, मस्त है, जू कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, नहीं बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा, नहीं बड़े के लिए भी ठीक है, एक्चुअली अच्छा है बड़े के लिए भी, है ना। सामने आप ये जो झूले देख रहे हो इसे स्काई सफारी कहते हैं, इस पे भी लोग जाते हैं ऊपर से पूरा व्यू के, ऐसे बेसिकली सारी चीजें चिल करने के लिए ही है। हिमालय वाला जानवर है, रेगिस्तान के है। हंसी देखिए चेहरे पे, हंसी तुम ले ही नहीं रहे चेहरे पे, तो तुम लोग नहीं आओगे, आएंगे ना, आगे तो ये खड़े होके गिर जाएंगे पापा मत हिलाइए, आरु तो यहाँ पे बैठ के हम लोग देख रहे हैं टाइगर। ये देखिए गाइस कितना अच्छा बना के रखी है, ये बिल्कुल गुफा के जैसा बना दिया है अंदर, जो खतरनाक एनिमल्स हैं जैसे कि लायन हो गया टाइगर हो गया, तो ये सबको आप अंदर तो देख सकते हो, और यहाँ पे शीशा है। कैसा लग रहा है बाबू टाइगर और लायन देख के? ये टाइगर सो गया है, हाँ बेटू टाइगर सो गया है, टाइगर घुलटा हुआ है, दूध पी के घुलट गया है, जैसे आप घुलट जाते हो, खून पी के सो रहा है बेटा, पानी टपक रहा है, बारिश हो रही है, नहीं इन लोग के लिए ऐसा बनाया है, हाँ थोड़ा हल्का ठंडा और बारिश टाइप का बनाया है, घुस के सो रहा है ना रिलैक्स होके, और बहुत अच्छा बना के रखा है देखो आप, बिल्कुल वो जंगल का फील दिया है, अंदर है ये जबकि इंडोर है। तो ये जो अंदर इंडोर गुफा जैसा बनाया हुआ था वहां से अब हम लोग निकल रहे हैं, अमायरा को खुद से अकेले चलना है, हाथ पकड़ के नहीं चलना है किसी का। गाइस ये मोर देखो कितना सुंदर है, वाओ मुझे बड़ा पसंद है। अमेरिका के मोस्टली सारे जू में आपको लैंडस्केपिंग बहुत ही सुंदर नजर आएगा, जो भी जानवर हैं पशु पक्षी हैं या जो लोग आते हैं उन सब के लिए एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अब देखो कितनी हरियाली है, कितना साफ सुथरा है सब कुछ, तो बहुत ही अच्छी वाइब आती है जब आप वॉक करते हो। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए भी ये छोटा सा पार्क बना हुआ है, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अमायरा को यहाँ पे जरूर खिलाएंगे, आज ऑलरेडी 4:30 बजने जा रहा है। यही था जू यहाँ अमेरिका का, मिलवॉकी जू जहाँ हम लोग रहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे फिट, देखिए बाय बाय। उससे पहले मेरे बाय बोलने से पहले हमारा बाय कर देती है, हमारा को पता है कि मेरा जो टैग लाइन है वो क्या है, बाय बाय करती है ना मम्मा, हाँ करती है ना आप बाबा।